हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस हिंदी गद्य का मैं बताने वाला हूं मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में आप हिंदी लिटरेचर को लिए हुए हैं, हिंदी साहित्य को लिए हुए हैं, तो हिंदी गद्य आपको पढ़ना होगा, जिसका मैं पाठ्यक्रम बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक यूनिट को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पाठ्यक्रम से संबंधित पहुँच पावे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो आपका पाठ्यक्रम होगा, ये 2023-2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसमें आप देखेंगे, ये जो पाठ्यक्रम सिलेबस आपका है, इसमें प्रश्न पत्र जो आपसे का होगा, वो प्रश्न पत्र का शीर्षक होगा मित्रों हिंदी गद्य, यानी हिंदी गद्य शीर्षक आपके प्रश्न पत्र का होगा, जिसके अंतर्गत आपको परीक्षा देनी होगी। सभी यूनिवर्सिटियों में इस तरह से क्वेश्चन सिलेबस जो भी हैं वो एक ही तरह से होंगे, और पूरी तरह से आप उसको तैयार रखेंगे। अब जो इसका पूर्णांक होगा, पूर्णांक के विषय में हम जानेंगे। पूर्णांक आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 75 मार्क्स आपको लिखित रूप में प्राप्त होंगे, जो कि यूनिट के अंतर्गत, प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत जो क्वेश्चन होगा उसका, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और 25 मार्क्स जो आपका ट्यूटोरियल टेस्ट के रूप में होगा मित्रों, ये आपको प्लस करेगा, यानी कि 25 प्लस 75 यानी 100 मार्क्स आपको गेन करने होंगे इस एग्ज़ाम में। तो देखेंगे, इसमें 8 यूनिट पे डिवाइड है आपका सिलेबस। तो मैं देख रहा हूँ, ये फर्स्ट जो आपका फर्स्ट यूनिट आपकी है मित्रों, फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करना है, मैं सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखेंगे, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, यानी हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आपसे पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको इन इन बिंदुओं के अंतर्गत बताना होगा मित्रों, जैसे कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, ये पॉइंट रहेगा आपका। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कब हुआ, किस तरह से इसका विकास होता गया, इसके बारे में आपको बताना है। फिर हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, इसके बारे में आपसे प्रश्न किया जाएगा, इसके बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए कि हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास कब हुआ। हिंदी नाटक का उद्भव विकास आपसे पूछा जाएगा मित्रों, ये आपको बताना है कि हिंदी नाटक का उद्भव और विकास कब हुआ। इसके पश्चात हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस, जो कि टॉपिक आपका है, पूरी तरह से आपको इसको पढ़ना है। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का उद्भव और विकास, यानी उद्भव और विकास के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स हैं, जिसको कि आपको यूनिट एक के अंतर्गत, यानी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको इसको पढ़ना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मित्रों। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तथा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस के रूप में भी होंगे। अब हम देखेंगे जो हमारी सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। तो सेकंड यूनिट में आप देखेंगे, इसमें आपको हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय देना है, यानी हिंदी गद्य की जो महत्वपूर्ण विधा है उसका आपको संक्षिप्त परिचय देना रहेगा इसमें। जैसे आप कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, यात्रा वृत्तांत, इन इन टॉपिकों पर आपको पूरी तरह से पढ़ना है और इसके बारे में आपको लिखना होगा। संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, व्यंग, ये जो भी पॉइंट हैं, इतने बिंदु के अंतर्गत आपको हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं के बारे में आपको जानकारी करनी होगी, और पूरी तरह से इसको संक्षिप्त रूप से आपको इसको परिचय के रूप में जानना होगा, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो ये यूनिट सेकंड के अंतर्गत होगा। इसके पश्चात यूनिट थर्ड में क्या पढ़ना है आपको, देखेंगे यहाँ पर यूनिट थर्ड में जो क्वेश्चन बनेगा आपका हिंदी उपन्यास, यानी हिंदी उपन्यास के अंतर्गत मित्रों आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, जिसमें कि आपको पढ़ना है झांसी की रानी, यानी झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है, और विद्यार्थी संस्करण संपादक डॉक्टर पुनीत ये लिखे हैं मित्रों,
ये जो कि उपन्यास के रूप में आपको देखना है इसको। हम यूनिट 4 की तरफ बढ़ रहे हैं मित्रों। यूनिट 4 में जो आपको पढ़ना है हिंदी कहानी, यानी कि हिंदी कहानी के विषय में आपको पढ़ना होगा। कौन कौन सी कहानी को आपको पढ़ना है इसको पूरी तरह से देख लें। तो इसमें आपको जो हिंदी कहानी के रूप में देखना है, इसमें पंच परमेश्वर ये कहानी रहेगी, जिसको कि प्रेमचंद जी ने लिखा है। पाजेब, इसको जैनेन्द्र जी ने लिखा है मित्रों। गैंग्रीन जो है अगे ने लिखा है। और पर्दा यशपाल जी ने लिखा है। तीसरी कसम, इसको रेणु जी ने लिखा है। तथा पिता ज्ञान रंजन जी ने लिखा है। तो ये जो कहानियां हैं, इन कहानियों को भी हमें पढ़ना है। और जो इसके लेखक हैं, इस लेखकों के विषय में भी पूरी तरह जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड कहानियां हैं। इन कहानियों को मैं पूरी तरह से आपको वीडियो के रूप में उपलब्ध कराऊंगा, जिससे आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे, सारी कहानियों के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। अब हम देखेंगे यूनिट 5 के अंतर्गत आपको क्या देखना है। तो यूनिट 5 में नाटक आपको, यानी कि हिंदी एवं एकांकी, हिंदी नाटक एवं एकांकी, यानी हिंदी नाटक एवं एकांकी के विषय में आपको जानकारी करनी होगी मित्रों। जिसमें कि नाटक में आप ध्रुव स्वामिनी को किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने, ये हमें पढ़ना होगा। यानी कि ध्रुव स्वामिनी, जिसको कि आपने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है, तो ध्रुव स्वामिनी के विषय में आपको पढ़ना है। इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, और एक नाटक के रूप में, और एकांकी के रूप में दीपदान जो है, जिसको कि आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे मित्रों, तो दीपदान को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है, ये हमें पढ़ना है। और लक्ष्मी का स्वागत, ये लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है, इसको उपेंद्र नाथ अस्क जी ने लिखा है, ये भी हमको पढ़ना होगा। ये यूनिट 5 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात देखेंगे यूनिट 6 में जो आपको पढ़ना है। यूनिट 6 के अंतर्गत आपको हिंदी निबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, यानी हिंदी निबंध के विषय में पढ़ना है, जिसमें कि आप भारत और सोन्नत कैसे हो सकती है पूरी तरह से आप समझ सकते हैं मित्रों। कि इस पाठ को आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, जिसको कि भारतेंदु हरिचंद जी ने लिखा है, तो इसी पाठ को आपको BA थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ना है। यानी भारत और सोन्नत कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिचंद जी का लिखा हुआ ये निबंध है। इसके बाद मित्रता पाठ जो है आपका, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ है, इसे भी आप पढ़ चुके हैं। अशोक के फूल, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है निबंध है मित्रों। और उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, इसको कुबेरनाथ राय जी ने लिखा है। तो ये चार प्रकार के आपको निबंध हैं, जिनको कि पढ़ना होगा, और पूरे ही आसानी से आप पूरी तरह से इसको समझ सकते हैं, पूरी तरह से जान सकते हैं, जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका सारांश पूछा जाएगा, और निबंध में आपको पात्रों के चरित्र के विषय में भी पूछा जाएगा। तो 3 टाइप्स क्वेश्चन इसमें बनेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे, और चरित्र संबंधी, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप के अंतर्गत आपको चरित्र चित्रण लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें, और सारांश भी लिखना होगा। तो ये हम पूरी तरह से जानेंगे, जो कि यूनिट 6 के अंतर्गत आएगा। अब हम आगे देखेंगे, जो कि 7 नंबर यूनिट के अंतर्गत हमको पढ़ना है। 7 नंबर यूनिट में हमको, हाँ, इसी 6 नंबर यूनिट में आपको एक निबंध और पढ़ना है मित्रों, तुम चंदन हम पानी, यानी तुम चंदन हम पानी, ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है, इसे भी आपको पढ़ना होगा। तो ये निबंध की बात हो गई। अब हम देखेंगे यूनिट 7 में जो आपको पढ़ना है, यूनिट 7 में अन्य गद्य विधाएं, जो अन्य गद्य विधाएं हैं उनके बारे में प्रथम खंड के अंतर्गत हमको पढ़ना होगा मित्रों। जैसे कि रेखाचित्र से तात्पर्य है, जिसमें कि गिल्लू, यानी गिल्लू ये जो पाठ है, इसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने, तो ये रेखाचित्र के अंतर्गत आता है। यानी कि इस पाठ को पढ़ने से हमको, महादेवी वर्मा जी की जो ये रचना है, इसको पढ़ने से एक रेखाचित्र हमारे मस्तिष्क में आता है, जो कि स्टोरी हम पढ़ते चले जाते हैं, कहानी पढ़ते चले जाते हैं, तो एक मनोचित्र हमारे दिमाग में आता है। तो ये रेखाचित्र के रूप में है हमारा जो गद्य है, जो लिखा गया जो पाठ है, तो इसे हमको पढ़ना है, महादेवी वर्मा जी की रचना। इसके पश्चात संस्मरण के रूप में 30 बरस का साथी, इसको रामविलास शर्मा जी ने लिखा है,
ये भी हमको पढ़ना होगा। फिर जीवनी अंश, यानी जीवनी अंश के रूप में, यानी ये जो जो स्टोरियाँ हैं, जो कहानियाँ हैं जो आपको बता रहे हैं प्रथम खंड के रूप में मित्रों, ये रेखाचित्र संस्मरण, जीवनी अंश, रिपोर्टाज और व्यंग, इन तथ्यों के अंतर्गत ये चीज़ें हैं, तो इन्हें हमको पढ़ना होगा। यानी जीवनी अंश में कलम का सिपाही, इसको अमित राय जी ने लिखा है, ये हमें पढ़ना है। रिपोर्टाज के रूप में ऋण जल धन जल, ऋण जल धन जल, इसको रेणु जी ने लिखा है। और व्यंग में जो है भोला राम का जीव, यानी भोला राम का जीव, जिसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, तो ये हमें अन्य जो गद्य विधाएं होंगी उसके अंतर्गत हमको पढ़ना होगा, यूनिट 7 के अंतर्गत, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है आपके लिए और एग्जाम में पूरी तरह से आप लिख पाएंगे। सभी यूनिवर्सिटियों में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो पूरी तरह से आपको इसको पढ़ना है। और यूनिट 8 जो आपकी है, यूनिट 8 जो लास्ट यूनिट है मित्रों, इसमें अन्य गद्य विधाएं जो आपसे पूछी जाएंगी, जिसमें द्वितीय खंड, ये प्रथम खंड था आपका ए खंड और ये बी खंड होगा, तो द्वितीय जो खंड होगा आपका, इसमें आप समझ लें कि यात्रा वृतांत के अंतर्गत आपको पढ़ना है मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल साकृत्यान जी ने इसको लिखा है, तो ये मेरी तिब्बत यात्रा, ये आपको गद्य विधा के अंतर्गत पढ़ना है। डायरी, इसको एक लेखक का की डायरी, एक लेखक की डायरी, इसको मुक्तिबोध जी ने लिखा है। और इंटरव्यू जो आपका है विधा, इसमें मैं इनसे मिला श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसको लिखा है, तो आपको 8 यूनिट के अंतर्गत ही इस पाठ्यक्रम को पढ़ना है। और किसी भी सब्जेक्ट का जब तक हम पाठ्यक्रम नहीं समझ पाते हैं तब तक हम उसको पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा कि पाठ्यक्रम को आप पूरी तरह से समझें। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक अवश्य देखेंगे मित्रों, जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और प्रत्येक टॉपिक पर, प्रत्येक यूनिट पर आपको वीडियो उपलब्ध होगा, जो कि हिंदी का हम आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेंगे। और इसके पश्चात इंग्लिश का भी आपको वीडियो पूरा उपलब्ध होगा BA थर्ड सेमेस्टर का, और अन्य सब्जेक्टों का भी वीडियो आपको उपलब्ध होता रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित किया करें मित्रों, जिससे हम भी ये समझें कि जो भी वीडियो मैंने आप तक प्रेषित किया उसकी क्या प्रतिक्रिया आपके बीच में हुई। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।